संभालेंगे। राजनाथ सिंह और ये नीचे हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए, इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर पर यह जिम्मेदारी थी, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो पहले भी उनके पास रही है, मोदी के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, यह हमने आपको बताया था कि आज ही विभागों की जानकारी, तोखन साहू आवास राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ से एकमात्र जो मंत्री हैं तोखन साहू आवास राज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, शिवराज सिंह चौहान कृषि, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्हें भी जिम्मेदारी दे दी गई है, संभवतः ऊर्जा की जिम्मेदारी, अभी शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी मनोहर लाल को दी गई है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, अमित शाह के पास गृह यथावत रहेगा, हालांकि उनके पास कोऑपरेटिव्स भी है, सहकारिता भी था, एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय की अपनी जिम्मेदारी यथावत पहले की तरह संभालेंगे, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा की जिम्मेदारी पहले की तरह, मोदी के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कल की उनकी तस्वीर जब वो शपथ ले रहे थे, ये पहले भी बात आती रही कि जब भी मध्य प्रदेश के मामा दिल्ली की गलियों में पहुंचेंगे खेती किसानी की जिम्मेदारी उनके पास निश्चित तौर पर आएगी, कृषि और ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान के पास। मोदी 2.0 पहला और दूसरा कार्यकाल उसके मुकाबले थोड़ी सी देरी इस बार पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में हुई है, एक बार फिर जान लीजिए मोदी के मंत्रियों के पास क्या, किसके पास क्या पोर्टफोलियो पहुंचा है, शिवराज सिंह चौहान कृषि की जिम्मेदारी, मनोहर लाल शहरी विकास मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन, टमटा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, तोखन साहू छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो हैं राज्य मंत्री आवास की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, अमित शाह गृह विभाग वैसे ही संभालेंगे, रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास ही होगी, अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारी, अब देखना है दिलचस्प वित्त किसके पास जाता है जिसके अंडर में आती है ईडी, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी,